नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आजकल देखा जाता है मुख्यतः तीन बीमारियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जिसमें बीपी और पेट की समस्या। पेट की समस्या में भी एक सबसे बड़ी बीमारी है आईबीएस, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इरिटेबल, इरिटेबल मीन्स परेशान रहना, जैसे आप कहते हैं ना, बहुत गुस्सा आना, चिड़चिड़ा जैसा रहना, तो इसी प्रकार से ये बीमारी है। इसमें इंटेस्टाइन प्रभावित होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में मानिए स्वेलिंग हो जाना, जिससे जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता। इसमें क्या होगा, किसी को पेट में मरोड़ होती है, ऐंठन होती है, दर्द होता है, पेट फूलता है, किसी को कब्ज होती है, तो किसी को लूज मोशन होते हैं। बहुत से लोग तो खाना खाने के बाद तुरंत मोशन जाते हैं और व्यक्ति बहुत परेशान रहते हैं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं पेट के, पता चलता है रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, डॉक्टर कहते हैं आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, और रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है, उसका जीवन बड़ा निराश हो जाता है, बहुत दुखी होता है। सारे डॉक्टर को दिखा लिया होता है, सारे टेस्ट करा चुका होता है, फिर भी कोई लाभ नहीं मिलता। वजन लगातार कम होता रहता है। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं मेरा वजन पहले 70 किलो था सर, आज 50 किलो रह गया है, मेरा 55 किलो रह गया है। बड़े निराश रहते हैं। और एक बड़ी महत्व की बात बताता हूं, इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, तनाव में रहते हैं, उनको ये समस्या ज्यादा होती है। इसलिए ऐसे लोगों को तनाव नहीं लेना, नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, तला हुआ खाने से बचें, मैदा की चीजें नहीं खानी, मिर्च मसाले कम खाने चाहिए, हेल्दी फूड्स खाएं, फ्रूट्स खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबलों का ज्यादा सेवन करें। बहुत से लोगों को तो देखा जाता है कि रोटी खाने से भी दिक्कत होती है, किसी को मान लीजिए पत्ता गोभी खाने से दिक्कत है, किसी को रोटी खाने से दिक्कत है, किसी को दूध पीने से दिक्कत है। तो जिसको भी जिससे दिक्कत है, उसको उसका सेवन कम कर देना चाहिए, उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। हल्का खाना खाएं, लिक्विड ज्यादा लें, जूस लें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, पानी ज्यादा पिए। मैं आपको कुछ न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट सिखाता हूं, जिससे कि हम आईबीएस की समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पेशेंट को सीधा लिटाना है और पेशेंट को कहना है आपको दोनों पैर उठाने हैं, दोनों पैर उठाएं, बस यहां पर रोकना है, 6 सेकंड होल्ड करना, जब भी क्रिया करेंगे सांस रोक कर रखना, फिर नीचे, फिर उठाना है, जब करेंगे पंजे पे प्रेशर और 6 सेकंड रोक कर रखना, फिर वापस, फिर उठाएंगे, फिर 6 सेकंड रोकना, क्रिया करते समय सांस को रोक कर रखना, वापिस नीचे। ऐसा हमें 6-6 सेकंड के लिए 3 बार करना है। दोनों हाथ सीधे करेंगे, पहले वाला करेंगे, पेट वाला, दोनों पैर मोड़ना, दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़ना और पैर को नाभि के पास ले जाना, इस प्रकार से करना है। 6 सेकंड होल्ड रखना, 3 बार ये भी क्रिया करनी है। पैर सीधे, बॉडी रिलैक्स, फिर करेंगे पैर मोड़ना, खींच के पैरों को अपनी नाभि के पास लाना है और क्रिया करते समय सांस रोकना, पैर सीधे, फिर मोड़ना, सांस रोक कर रखना, नाभि से बिल्कुल लगाने का प्रयास करना, ना लगे तो जबरदस्ती नहीं करना, हर किसी का नहीं लगेगा। पैर सीधे, 3 बार ये क्रिया करनी, हाथ दोनों सीधे रखने, पैर मोड़ना, दोनों पैरों को खोलना, इस प्रकार से। अगर किसी की हेल्प लेना चाहे तो ले सकते हैं, जिसके ना लगे तो हल्का सा लेना है। 6 सेकंड होल्ड करना, दोनों पैरों को मिलाना आपस में, फिर से मिलाओ, फिर वापस खोलना, दोनों साइड बटरफ्लाई की तरह करना, 6 सेकंड सांस रोकना, फिर करेंगे, कोई भी क्रिया करते समय सांस रोक कर रखनी चाहिए, फिर से करें, 3 बार ये करना, ये करा। अभी एक पैर सीधा करना है, ये वाला पैर सीधा कर लो, इस वाले पैर को अंदर की तरफ मोड़ना, इस प्रकार से अपने आप कर सकते हैं। देखो इनका कितना अच्छा हो रहा है, इस प्रकार से आप भी करें, और लगे किसी की आवश्यकता लेनी है तो ले सकते हैं। पैर सीधा, अभी दूसरा, ये अंदर की तरफ, इस प्रकार से सांस रोक कर रखना, पैर सीधा, फिर वापस अंदर की ओर,
फिर पैर सीधा, फिर पैर सीधा, ये वाला अंदर की ओर, 6 सेकंड होल्ड करना, पैर सीधा, पैर सीधा, अभी एक बार ये और पैर सीधा, 3-3 बार क्रियाएं करनी है। इससे नेवल के आसपास ये वाला जो एरिया है, जब आईबीएस जैसी दिक्कत होती है तो ऐसा हाथ लगाने से नाभि के चारों तरफ बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपना, तो बहुत ज्यादा पेन होगा। इस प्रकार ये जो पूरा एरिया है ये नाभि के आसपास वाला, चारों तरफ से बहुत सख्त होगा, ऐसा लगेगा जैसे अंदर सूजन है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला नाभि से ये 4 उंगली हम देखेंगे रखकर, तो ये वाला जो एरिया है ये बहुत सख्त होगा, और जरा सा टच करने पे, खुद भी टच करेंगे तो बहुत ज्यादा पेन होता है, जबरदस्त। तो जब हम ये क्रियाएं करेंगे तो पेट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, नर्म हो जाएगा, और जो समस्या इतने लंबे समय से है आप खुद उसको इन एक्सरसाइज के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, दोनों पैर मोड़ना, दोनों पैर इधर करना, दूसरी तरफ देखना, हाथ की हथेली को देख के प्रयास करना, 6 सेकंड ये करना। अभी दूसरी तरफ, जिधर हमारे पैर होंगे उसके अपोजिट साइड में हमारा फेस होगा, वापिस 3-3 बार ये भी करना, 3 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, फिर वो दूसरी तरफ। बहुत जबरदस्त पॉइंट्स हैं, कितनी भी पुरानी दिक्कत हो तुरंत ही आराम मिलता है कुछ ही दिन के ट्रीटमेंट में। अभी वापिस एक बार और वापिस, अब आप उल्टा लेट जाएं, दोनों हाथ साइड में रखने, दोनों हाथ साइड में रखने इस प्रकार से फेस के पास, आगे से उठने का प्रयास, छत की तरफ देखने की कोशिश, ऊपर देखें बिल्कुल, नाभि लगी रहे और जितना हम ऊपर देख सकते हैं देखें, सांस रोक कर रखना, वापस 6 सेकंड होल्ड करना, सांस को 6 सेकंड के लिए रोकना, 3 बार ये क्रिया करेंगे और बहुत बढ़िया। देखो इनका कितना अच्छा आ रहा है, आप लोग भी इसी प्रकार से करें, नेवल जहां है वहां तक नीचे लगा रहे, एक बार और करें, तो आपने देखा, तो अभी आपने कुछ ये सूक्ष्म एक्सरसाइज सीखी। कितने भी दिनों से चाहे आपको आईबीएस हो या पेट की कोई भी दिक्कत हो, चाहे पेट में स्वेलिंग रही हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन रहता हो, चाहे लूज मोशन, आईबीएस के बाद जो भी लक्षण आते हैं, चाहे आप किसी भी परेशानी से प्रभावित हैं, ग्रसित हैं, तो ये कुछ एक्सरसाइज करने से आप इमिजिएटली आपको रिलीफ महसूस होगा और कुछ दिन निरंतर अभ्यास से आप पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।